रुन झुन रुन झुन चम चम कर। लाड़ी जो घर में सबसे प्यारी और दुलारी। जी हाँ, ये सब लाडलियाँ आज यहाँ सवाई माधोपुर शहर के बीच स्थित काफी दिनों से वीरान पड़े प्रकाश टाकिज के प्रांगण में बेटियों के हौसलों पर आधारित राजस्थानी फिल्म लाडली के प्रदर्शन में सम्मिलित होने आई है। नन्हे नन्हे हाथों से सपनों में रंग है लाई। अरे तो है नहीं। फिल्म के निर्देशक विपिन तिवारी ने बताया कि लाडली फिल्म बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह का विरोध और सामाजिक समरसता का संदेश देती है। फिल्म की शुरुआत मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS आशीष गुप्ता ने अपने संबोधन में। नगर परिषद की सभापति विमला शर्मा ने बेटियों की समानता एवं शिक्षित बनाने पर जोर दिया। आगे बढ़े, हमेशा अपने मन में जो नेगेटिव चीजें हैं उनको दूर करें, सकारात्मक चीजें सोचें। आप सब लक्ष्मी का रूप हैं, सरस्वती हैं, पर आवश्यकता पड़ने पर आप सब दुनिया में भी आएंगे ऐसे ना मानते। तो जो भी काम करें बहुत मन से करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सचिव एवं महिला अधिकारिता के सहायक निदेशक राजेश मीणा ने बताया कि जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के साथ फिल्म का निशुल्क प्रदर्शन रोजाना बाल सप्ताह के दौरान प्रातः 9 बजे 17 से 23 नवम्बर तक किया जा रहा है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बालिका अपने स्वयं की पहचान बनाती है और शिक्षा के दम पे वो समाज को एक नई सोच और नई दिशा देती है। इस मूवी में दिखाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर एवं सवाई माधोपुर की विधायक राजकुमारी दिया कुमारी के एक भावपूर्ण संदेश के साथ प्रारंभ हुई। जो पैदा होने का जन्म लेने का अधिकार है वो ही उन्हें नहीं मिलता है। मुझे तो लगता है कि हमारी बेटियों से ज़्यादा हमें हमारे बेटों को सिखाना होगा कि वो छोटी उम्र से ही बच्चियों को रिस्पेक्ट करना सीखे। हमारी बेटियाँ यहाँ पर देख रही हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझें, अपनी शिक्षा ज़रूर पूरी करें और किसी प्रकार से आपके मान सम्मान में कहीं भी अगर कमी आ रही हो तो ज़रूर अपनी आवाज़ उठाएं और हायर एजुकेशन के लिए ज़रूर ज़रूर प्रयास करें। विद्यालय की अध्यापिकाओं को भी फिल्म बहुत पसंद आई। बच्चों ने इसमें सीखा कि बेटियां किस तरह से हमारे समाज को आगे ले जा सकती है। बेटी पढ़ लिख करके बेटी भी कर सकती है जो बेटी भी नहीं। महिलाओं को कहीं भी कम नहीं, पर पुरुषों से कम नहीं समझा जा सकता। बहुत अच्छी लगी, अच्छी लगी लाडली फिल्म, बहुत अच्छी। अरे लाडली जो फिल्म है ये हमें बहुत अच्छी लगी और इससे हमारी जो बेटियाँ हैं उनको बेहतर मिलेगा, उनकी शिक्षा और जो लोगों में बेटियों के प्रति गलत जो धारणा है उसके बारे में उनकी सोच बदलेगी बेटियों को। प्रदर्शन के उपरांत बालिकाएं फिल्म के गीत गुनगुनाती नजर आई तथा उनके चेहरे पर गजब का आत्मसम्मान देखने को मिला। ऐसा लगता है कि बेटियों को पूरा सम्मान नहीं पाएगा और
रखती।